हर्षवंत कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हेनरी नियम। हेनरी नियम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि हेनरी नियम जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता देते हैं कि जब हेनरी नियम बताएंगे आपको अच्छा से क्लीन समझ में आएगा। तो सबसे पहले नंबर हम बताना चाहेंगे विलेयता। विलेयता जिसको इंग्लिश में सोलुबिलिटी, इंग्लिश में सोल्युबिलिटी कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि विलेयता क्या है? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलेय की आवश्यक मात्रा विलेयता कहलाता है। विलेयता को कैपिटल एस के द्वारा निरूपित किया जाता है। स्टूडेंट हम एक बार और रिपीट करने जा रहे हैं। निश्चित ताप पर, टी इज कॉन्स्टेंट यानी टेम्परेचर को हमने नियत कर दिया, तो 100 ग्राम विलायक लेंगे। अब विलायक और विलेय मैं आपको अगले वीडियो में समझा चुके हैं कि किसी विलयन में जो कम होता है विलेय कहलाता है, जो अधिक होता है वो विलायक कहलाता है। तो हमने क्या बोला कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलेय की आवश्यक मात्रा विलेयता कहलाता है। विलेयता को कैपिटल एस के द्वारा निरूपित करते हैं। अब हम ये भी जान लें थोड़ा सा कि विलेयता विलेय विलायक के साथ साथ ताप तथा दाब पर भी निर्भर करता है। यानी हमारा जो विलेयता निर्भर करेगा विलेय पर भी निर्भर करेगा, विलायक पर भी निर्भर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ताप तथा दाब पर भी निर्भर करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये जानकारी कर लें कि विलेयता के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटते हैं। ठोस का द्रव में विलेयता, द्रव का द्रव में विलेयता और गैस का गैस में विलेयता। जैसा कि मैं आपको बता दे, थोड़ा सा चर्चा कर दे कि ठोस का द्रव में विलेयता, सोल्युबिलिटी इन लिक्विड ऑफ सॉलिड। अब प्रश्न ये है कि ठोस का द्रव में विलेयता यानी सभी ठोस पदार्थ द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसा कि चीनी नमक जल में घुलनशील होता है जबकि कोयला जल में घुलनशील नहीं होता। कारण कारण है पोलर पोलर यानी विलेय पोलर विलायक पोलर दोनों समान रहेगा तो घुल जाएगा। यदि विलेय विलायक दोनों नॉन पोलर वो भी आपस में घुल जाएगा। यदि विलेय विलायक अलग अलग फेज में हो यानी एक पोलर दूसरा नॉन पोलर तो घुलनशील नहीं होगा अर्थात अघुलनशील होगा। यदि विलेय नॉन पोलर यदि विलायक पोलर हो तो भी अलग फेज में है वो घुलनशील नहीं होगा। यानी हमने क्या देखा कि विलेयता कुछ कारक पर निर्भर करते हैं, यानी ठोस का द्रव में विलेयता कुछ कारक पर निर्भर करते हैं जिसमें सबसे पहला कंडीशन आया विलेय विलायक के प्रकृति पर। यानी जब विलेय विलायक दोनों पोलर होगा घुलनशील होगा, जब विलेय विलायक दोनों नॉन पोलर होगा घुलनशील होगा, लेकिन एक विलेय पोलर होगा और एक विलायक नॉन पोलर होगा तो नहीं घुलनशील होगा यानी घुलेगा नहीं अघुलनशील होगा। इस तरीका से हम लोग थोड़ा सा ये भी जान ले द्रव का द्रव में विलेयता बिल्कुल निर्भर करेगा ठोस का द्रव में विलेयता पर, यानी सोल्युबिलिटी इन लिक्विड ऑफ लिक्विड। यानी हमने देखा कि द्रव का द्रव में विलेयता, तो हमने देखा कि जो ठोस का द्रव में विलेयता था ठीक उसी के आधार पर हम लोग का चलेगा द्रव का द्रव में विलेयता। यानी जब पोलर पोलर रहेगा तो घुलेगा, जब नॉन पोलर रहेगा तो घुलेगा, और एक पोलर और एक नॉन पोलर होगा तो नहीं घुल पाएगा। अब तीसरा पॉइंट बचा कि गैस का द्रव में विलेयता यानी सोल्युबिलिटी इन लिक्विड ऑफ गैस, यानी गैस का द्रव में विलेयता। तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि सभी गैस द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं, किंतु कुछ गैसें जल में तेजी से घुलनशील होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जल में घुलनशील होता है। यही कारण है कि जल में जीवित रहने वाले प्राणी जीवित रहते हैं, जल में रहने वाली मछली जीवित रहते हैं। यानी हमने देखा कि कुछ गैस जल में घुलनशील होते हैं और कुछ घुलनशील नहीं होते हैं, ये कुछ कारकों पर निर्भर करते हैं। जैसा मैं आपको थोड़ा सा बता दें कैसे निर्भर कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये गैस और
द्रव के प्रकृति पर निर्भर करेंगे, यानी जो गैस जितने तेजी से द्रवीभूत होंगे लिक्विडफाइड के रूप में होंगे वे गैस तेजी से घुल जाएंगे यानी उनकी विलयता तेजी से बढ़ जाएगी। उसके बाद ताप का प्रभाव, जब किसी विलयता में ताप बढ़ाते हैं तो हमारा विलयता का मान घट जाता है, यानी एक द्रव ले लेते हैं और उस द्रव में गैस ले लेते हैं, यदि उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी विलयता घट जाता है। यानी हम लोग सीखे कि गैस का द्रव में विलयता में यदि ताप बढ़ाते हैं तो विलयता घटता है। उसके बाद हमने देखा तीसरा पॉइंट में दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में हम देखना चाह रहे हैं कि यदि गैस के द्रव में विलयता में यदि दाब देते हैं तो विलयता का मान बढ़ेगा, जैसा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे। एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में जल डालते हैं और जल डालते हैं तो जल और साथ में ये गैस है, गैस के कण है, और यहां पर हमने जब टेम्परेचर दिया हीट दिया, यदि यहां पर टेम्परेचर दिया हीट दिया तो जब इसमें उष्मा प्राप्त होगा तो इसमें का उष्मा गैस के रूप में बदलेगा और ये गैस ऊपर निकलना चाहेंगे और जो जल है वो उबलेगा, यानी इसका फेज अलग होगा और इसका फेज अलग होगा। जब दोनों का फेज अलग होगा तो ये क्लियर है कि इसकी विलयता घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। जबकि हम प्रेशर की बात करें तो यदि हम इस पर इस पिस्टन के जरिए यदि हम इस पर दाब लगाते हैं, यानी गैस पर जब दाब लगाते हैं तो ये दाब गैस को इस द्रव में परिवर्तित करना चाहेगा, यानी द्रव में मिलाना चाहेगा, और गैस और द्रव जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनकी विलयता बढ़ेगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन बना और इसका आंसर भी बना कि गैस का द्रव में विलयता पर यदि दाब को बढ़ाते हैं तो विलयता बढ़ता है, यदि दाब को घटाते हैं तो विलयता घटता है। अब इसको हम लोग किसके जरिए देखना चाहेंगे, इसको हम देखेंगे हेनरी नियम के जरिए। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जब दाब बढ़ा रहे हैं तो विलयता बढ़ रहा है और दाब घटा रहे हैं तो विलयता घट रहा है, तो इसे हम हेनरी नियम के जरिए देखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हेनरी नियम क्या है। तो सबसे पहले नंबर स्टूडेंट्स बता दूं आपके कि हेनरी नियम का प्रतिपादन विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो सन किस सन के था करने वाला 1802 ईस्वी में, यानी जो हेनरी नियम का प्रतिपादन हुआ 1802 ईस्वी में। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं किसी बुक में 1803 में भी दिया रहता है, तो आप 1802 को याद कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं हम कि हेनरी नियम का प्रतिपादन 1802 ईस्वी में हुआ था। हेनरी नियम का स्थिरांक के एच, अब आपको मानना होगा कि हेनरी नियम का स्थिरांक क्या होता है, के एच होता है। अब प्रश्न यह है कि हेनरी नियम है क्या, तो सब लोग पहले गौर से समझेगा। सन 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किसी द्रव में गैस की विलयता तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया जिसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम इस प्रकार है, अब प्रश्न है कि किस प्रकार है, तो इस प्रकार है। स्थिर ताप पर, यानी टी इज कांस्टेंट, ताप को हम लोग टी बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी हमने सीखा कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलयता आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अब आप लोगों को केवल यही याद करना होगा स्टूडेंट्स कि टी इज कांस्टेंट, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता दाब के समानुपाती होता है। थोड़ा सा समझते हैं यहां पर डिटेल्स करके।
तो समझ लीजिए पहले हमने क्या बोला, स्थिर ताप पर, यानी हम लोग इसका गणितीय निरूपण करने जा रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल्स निरूपण, यानी हम लोग बोलेंगे गणितीय निरूपण। तो गणितीय निरूपण हमने क्या बोला, टी इज कॉन्स्टेंट, टी इज कॉन्स्टेंट, हमारा टी नियत है, हेनरी नियम है। बहुत बार कंपटीशन में स्टूडेंट्स पूछा गया है कि हेनरी नियम में कौन सा नियत रहता है, तो आपको याद करना होगा टी, ताप, टेम्परेचर, ताप हमारा नियत रहता है। तो टी इज कॉन्स्टेंट, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता, यानी विलयता को हम लोग यस के द्वारा निरूपित करते हैं, और दाब को पी द्वारा, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती का संकेत स्टूडेंट्स ऐसे होता है, जैसा कि अब इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो यस इक्वल, यानी समानुपाती टूटेगा तो उसका स्थिरांक आएगा, तो स्थिरांक हमने बता दिया था कि क्या होता है, के एच इंटू पी। अब इस तरीका से हम लोग का एक समीकरण बन गया कि सोलिबिलिटी यानी विलयता बराबर एस बराबर के एच इंटू पी। अब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि एस क्या है, तो एस बोलिएगा सोलुबिलिटी ऑफ गैस, यानी गैस का विलयता। अब प्रश्न रखेगा कि कोई पी क्या है, तो आपको बताना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कोई क्वेश्चन करेगा कि पी क्या है, प्रेशर, तो गैस का आंशिक दाब। उसके बाद देखेंगे केएच क्या है, तो केएच हेनरी कांस्टेंट, यानी हेनरी नियतांक है। तो अब हम लोग जाने यहां पर कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता आंशिक दाब के समानुपाती होता है, लेकिन कंडीशन कभी कभी ये क्वेश्चन कर देता है, पूछ देता है कि यदि विलयता को हम मोल प्रभास के रूप में व्यक्त करते हैं, याद रहे स्टूडेंट्स मोल प्रभास को हम लोग एक्स के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यदि विलयता को हम लोग मोल प्रभास के रूप में व्यक्त करेंगे, तब हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पर टिप्स बदलेगा और आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर टी इज कॉन्स्टेंट, टी हम लोग का नियत रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब मोल प्रभास के सीधा समानुपाती होता है, यानी हम लोग बोलेंगे टी इज कॉन्स्टेंट, तो हम लोग का हो जाएगा पी समानुपाती एक्स, यानी हम लोग बोलेंगे स्थिर ताप पर दाब मोल प्रभास के समानुपाती होता है। अब हम लोग का यहाँ पर बदल जाएगा पी बराबर के एच इंटू एक्स, तो अब यहाँ पर बदल गया कि यहाँ पर एक्स क्या है, तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी यहाँ पर एक हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो मैं आपको अगले वीडियो में मोल फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझा चुके हैं। आप एक बार सर्च करिएगा संस्कारण केमिस्ट्री संदीप कुमार मोल फ्रैक्शन, आपको वीडियो आ जाएगा, उसमें क्लियर समझाना है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बता दें कि हेनरी नियम में जब हम दाब और मोल प्रभास के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये मूल बिंदु से गुजरता है, यानी हम लोग को यहाँ पर सीख मिला कि जब प्रेशर बढ़ा तो मोल प्रभास भी बढ़ा, यदि प्रेशर बढ़ा तो मोल प्रभास भी बढ़ा, यानी जब हम लोग किसी गैस का द्रव में विलयता पर यदि दाब और मोल प्रभास के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम लोग का ग्राफ एक सीधे मूल बिंदु से गुजरेगा, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जब पी का मान बढ़ेगा तो एक्स का मान भी बढ़ेगा, यदि पी का मान बढ़ा तो एक्स का मान भी बढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक्स।